नमस्कार, ये सवाल है। देख लीजिए, एक मील बराबर कितना जरीब, कितना गज, कितना फीट और कितना मीटर होता है। और दूसरा सवाल है, 1.33 बिस्सा या काठा बराबर कितना वर्ग फुट होता है। दशमलव के बाद ये 0.33 है, तो इसी तरह 1.33 डिसमिल में 0.33 कितना जमीन होगा। इसी तरह 1.33 एकड़ है, तो 0.33 कितना जमीन होगा, इसको जानेंगे। पहले इसी को देख लेते हैं, दूसरा सवाल को। यहां पर पहले डिसमिल को देख लीजिए, 1.33 डिसमिल है, इतना 1.33 डिसमिल है। अब ये कितना कितना जमीन है, तो इसको निकालने के लिए 0.33 गुणा कर दीजिए। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है, इसी से गुणा कर दीजिए, तो इसका आंसर आता है 143.7 वर्ग फुट होगा। इतना 0.33 जो डिसमिल है, 0.33 डिसमिल, तो इसका 143.7 वर्ग फुट होगा, प्लस 1 डिसमिल का जोड़ दीजिए। 1 डिसमिल 435.6 धन 143.7, तो ये बराबर होगा दोनों को ऐड करने पर 579.3 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट जमीन होगा। और इसका प्लाट यदि देख लीजिए, ये 143.7 वर्ग फुट है, तो कितना होगा, 10 फुट यदि इसका चौड़ाई है, तो लंबाई कितना होगा, 14 फुट होगा। 14 फुट होगा, 143.7 वर्ग फुट है ये, तो इतना होगा लंबाई चौड़ाई। और टोटल में देखेंगे, ये देख लीजिए, टोटल इस प्रकार से पूरा 579.3 वर्ग फुट, यदि चौड़ाई 10 फुट ही है, तो लंबाई इसका होगा 59.9 फुट होगा। इस प्रकार से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ये 1.33 डिसमिल है, डिसमिल इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह 1.33 काठा या बिस्सा का देख लीजिए, 1.33 काठा इसका निकालिए, तो 0.33 गुणा कर दीजिए 1361.25 से। 1 डिसमिल का तो, सॉरी, 1 काठा का तो जानते हैं, स्टैंडर्ड काठा 1361.2 वर्ग फुट होता है, तो 0.33 कितना है, इसको जो है 0.33 का गुणा 1361.25 से कर दीजिए, तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 449.2 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट इतना होगा। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 काठा का कितना होता है, 1361.25 वर्ग फुट, और 0.33 काठा का कितना होगा, ये धन कर दीजिए, 459.2 वर्ग फुट टोटल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इसको, तो ये जो है 1810.45 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट का प्लाट आपका है, 1810.45 वर्ग फुट। इसी तरह एकड़ का देख लेते हैं, एकड़ का 1.33 एकड़ है, इसको भी देख लीजिए, तो 0.33 डायरेक्ट 0.33 का, यानी कि 0.33 कितना जमीन है, इस तरह से समझ में नहीं आता है, तो देख लीजिए,
एक एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है, तो इसको गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करने पर ये देख लीजिए 14,374.8 वर्ग फुट होगा, इतना यदि एकड़ में है। तो यदि 1.33 एकड़ है तो 14,374.8 वर्ग फुट होगा। अब ये 43,560 धन 14,374.8 इसको जोड़ दीजिए, तो इसका वर्ग फुट में प्लाट हो जाता है 57,934.8 वर्ग फुट होगा। इस तरह से दशमलव के बाद जो भी है, एकड़ है तो एकड़ के मान से गुणा कर दीजिए, काठा है तो काठा के मान से, बिस्सा है तो बिस्सा के मान से दशमलव लगा के इस तरह से गुणा कर देंगे, तो अपना भूमि का पता, प्लाट का पता वर्ग फुट में या वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक एकड़ का वर्ग मीटर से गुणा करना होगा। ठीक, क्लियर। अब जानेंगे एक मील बराबर कितना जरीब होता है। इसको देख लीजिए, यहां पर एक मील बराबर 80 जरीब होता है। 80 जरीब इतना होता है, एक मील बराबर 80 जरीब होता है। और एक जरीब बराबर कितने, इसको समझ लीजिए। एक जरीब बराबर 66 फुट होता है। फुट में निकालेंगे तो 66 फुट, और एक जरीब बराबर 20.1168 मीटर होता है, मीटर में। और एक जरीब बराबर 22 गज होता है। ये देख लीजिए, 22 गज होता है। और इसको हाथ में निकालना चाहेंगे, एक जरीब कितना हाथ, तो एक जरीब बराबर 44 हाथ होता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक मील का कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप एक मील बराबर पुनः लिख लीजिए, एक मील बराबर 80 गुणा 66 कर दीजिए। फुट में निकालेंगे तो 80 गुणा 66 कर दीजिए, तो एक मील 80 गुणा 66 करने पर ये 5,280 फीट लंबाई का होगा एक मील। और गज में निकालना चाहेंगे तो लिख लीजिए, एक मील बराबर 80 गुणा 22 कर दीजिए, तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 80 गुणा 22 कर दीजिए, ये होता है 1760 गज। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और एक मील बराबर कितना हाथ निकालना चाहेंगे, तो एक मील बराबर 80 गुणा 44 कर दीजिए, तो बराबर होता है 3,520 हाथ होगा। बिट्टा भी निकाल सकते हैं, इसका डबल कर दीजिए, बिट्टा निकलेगा 3,520 गुणा 2 कर दीजिए, आपका एक मील का बिट्टा निकल आता है। और मीटर में जानना चाहेंगे एक मील में कितना मीटर, तो एक मील बराबर 80 गुणा 20.1168 बराबर होगा, एक मील बराबर ये 1609, ये 1609.34 मीटर लंबाई का होता है एक मील। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।